विराट कोहली को बड़ा मशवरा दे दिया गया है कि टीम छोड़ दो, आप इकलौते दम के ऊपर कितना करोगे और क्या करोगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है जनाब। और इसके अलावा इंडिया के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान की वजह से खौफ की लहर देख गया कि बंदे कागज लेकर बैठ गए कि प्लीज इसके ऊपर साइन कर दो, वरना हमारी जो जान है ना वो बख्शनी नहीं है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो, आपके साथ इंटरेस्टिंग अपडेट्स तो शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के प्लेऑफ का बड़ा शानदार सुनहरी मरहला शुरू हो चुका है, एंजॉय कर रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाई कर चुके हैं आईपीएल 2023 के फाइनल के लिए। गुजरात टाइटंस को एक मौका और मिलेगा, जब हो सकता है, मतलब हो सकता है कि अपने ही भाई के साथ यानी कि मुकाबला उनका बन जाए। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस में से जो जीतेगा, अगर लखनऊ जीतते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की टीमों का दूसरा क्वालिफायर जब होगा तो एक इंटरेस्टिंग यानी कि बात यही है कि दोनों भाई जब मुकाबला करेंगे तो देखते हैं कौन जीतता है। फिर आगे बढ़ें, मुंबई इंडियंस फेवरेट है आज के मुकाबले के लिए। और इसके अलावा अगर जहां पर बात करें विराट कोहली को, भाई केविन पीटरसन ने कहा है कि आप भाई अपनी टीम की तरफ से खेलो, आरसीबी के लिए आप लगातार खेल रहे हैं, आपकी बड़ी खिदमत है, आप इकलौते दम के ऊपर करते हैं लेकिन आपका साथ कोई नहीं उस तरीके से देता। यानी कि विराट कोहली को कहा गया कि आप भाई दिल्ली कैपिटल्स जो उनकी मतलब होम टीम बनती है, दिल्ली से विराट कोहली का ताल्लुक है, तो आप भाई उस टीम को ज्वाइन कर लें, ना कि आप आरसीबी के साथ उनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं शुरू से, मतलब खेल रहे हैं आरसीबी के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप वहां पे जाके तो देखो, लेकिन शायद मुझे लगता है विराट कोहली की यही जिद है कि एक मर्तबा टाइटल जिताना है आरसीबी को। और इसके अलावा इंडियन बीसीसीआई ने कहा कि भाई पाकिस्तान में रिटर्न लिख कर दे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगा, तो हम एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल उसको ऑफिशियली मतलब दिखा देंगे दुनिया के सामने, कबूल तो वो कर चुके हैं। तो बहरहाल ये अब है कि इंडिया के अंदर लचक पैदा हुई है कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आता तो स्टार स्पोर्ट्स ने फिर बीसीसीआई को नहीं छोड़ना है, और ये वो पहले ही मान चुके हैं। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर।